नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत आप सभी का। दोस्तों आपको बता दीजिए, इस समय प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पत्नी जसोदा बेन को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे देश से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। दोस्तों आपको बता दीजिए, यदि आप भी मानते हो कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल बनता है। तो आइए जानते हैं मोदी जी और उनकी पत्नी के बारे में और साथ ही देश से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, इस समय मोदी जी अपना घर और परिवार छोड़कर देश की सेवा कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी को जब भी समय मिलता है तो वो अपनी माता जी और अपने परिवार वालों से मुलाकात करने ज़रूर जाते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से जी बीजेपी ने है जो कि इस समय सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और आपको बता दें कि कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि भले ही मोदी जी और उनकी पत्नी इस समय अलग अलग रहते हैं, लेकिन मोदी जी की पत्नी ने कई बार कहा कि यदि उनके पति प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। हालांकि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन चुके हैं और दोनों ही बार है जी की बड़ी जीत हासिल कर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री पत्नी क्या करती होगी और क्या करते होंगे उनके परिवार वाले? आइए जानते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की पत्नी है जो कि आज भी खुद के दम पर है जो कि अपना छोटा मोटा कार्य करके अपना गुजारा करती हैं। और आपको बता दें कि मोदी जी की जो भाई हैं वो भी है जो कि छोटी मोटी एक दुकान चलाकर अपना घर और परिवार चलाते हैं। वैसे में दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की पत्नी है जो कि रिटायर्ड शिक्षिका थी। और आपको बता दें कि उनको जो वर्तमान में जो 14,000 रुपये पेंशन मिलती है। दोस्तों आपको बता दें कि भले ही मोदी जी और उनकी पत्नी को कई साल हो गए अलग अलग रहते हैं, लेकिन मोदी जी की पत्नी को कोई भी मोदी जी से किसी का तरह का शिकवा नहीं है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की जो शादी है गुजरात के एक छोटे से गाँव में हुई थी। आपको बता दें कि परिवार वालों का कहना है कि मोदी जी की शादी जी बड़े ही धूमधाम से की गई थी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की बारात वहां पर दो दिन तक रुकी थी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की शादी है जो कि सिर्फ 3 साल चली थी। इन 3 सालों में आज के सिर्फ वो 3 महीने साथ रहे थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी हमेशा से देश के लिए कुछ बड़ा कार्य करना चाहते थे और वो हमेशा से एक संघ और RSS से जुड़े हुए थे। फिर दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी 4 बार है जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। फिर दोस्तों आपको बता दें कि धीरे धीरे उन्होंने है जो कि 2014 में जो कि वो पहली बार है जो कि देश के प्रधानमंत्री बने थे। और 2019 में है जो कि दोबारा है जो कि कुल बहुमत के साथ बड़ी जीत के साथ है जो कि दूसरी बार है जो कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी ने भी कई बार कहा कि वो है जो इस समय अपना पूरा घर और परिवार छोड़कर देश की सेवा कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी दोबारा सत्ता में आने के बाद है जो कि भारत के जितने भी दुश्मन देश हैं उनकी नींद उड़ चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भले पाकिस्तान हो या फिर चीन हो, इस समय आपको बता दें कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद काफ़ी घबराए हुए हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी के दोबारा सत्ता में आने के बाद है जी कश्मीर से धारा 370 हो या फिर 35 से हटाना हो, मोदी जी जैसे ही दोबारा सत्ता में है इन मुद्दों को उखाड़ कर फेंक दिया। और आप ये भी जानते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा भी काफ़ी सालों पुराना है, लेकिन मोदी जी जैसे ही दोबारा सत्ता में आए उन मुद्दों को भी उखाड़ कर फेंक दिया है। दोस्तों इन सभी के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए जानते हैं अब देश से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरों के बारे में। तो सबसे पहले बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि PM किसान की 8वीं किस्त मिलनी शुरू, खाते में आने लगे हैं 2,000 रुपये। ऐसे करें अपना नाम चेक। आपको कैसे चेक करना है कि आपके खाते में पैसे आए या नहीं आए, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। तो चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि LPG गैस सिलेंडर बुक कराना हुआ आसान, इन नंबरों पर मिस कॉल देकर और व्हाट्सएप के जरिए भी बुक करा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आप एक मिस कॉल के जरिए भी अब आसानी से जो आप गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पर भेजकर भी आसानी से गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। इस पूरा तरीका आपको बताएंगे और आपको कैसे क्या करना पूरी चीज़ आपको सही बताएंगे।
तो चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल में हार नहीं जीत की रणनीति का हिस्सा हो सकता है ममता का पत्र, जाने किसे, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सरल पेंशन योजना रिटायरमेंट के बाद भी होगी पैसों से नहीं दिक्कत, इस स्कीम में निवेश करने पर मिलेगी आजीवन पेंशन, बताएंगे वो कौन सी स्कीम है जिस पर आप हेज की पैसे लगाकर आजीवन हेज की पेंशन पा सकते हैं, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे पहली बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि अप्रैल आते ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त किसानों को मिलना शुरू हो गई। आपको बता दें कि इस स्कीम में किसानों के खाते में ₹2,000 की 3 किस्तें डाली जाती है। इस बार सरकार 11,67 करोड़ किसानों के खाते में ये रकम ट्रांसफर की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक देती है। इससे पहले सभी लाभार्थियों की एक लिस्ट जारी होती, इस सूची में जिन किसानों का नाम होता उन्हें पैसा दिया जाता है। तो आपको बता दें अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं और आप अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लें और आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि LPG गैस सिलेंडर बुक कराना हुआ आसान। आपको बता दें अब ग्राहक सिर्फ एक मिस्ड कॉल देकर अपना LPG गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। इसके अलावा आप WhatsApp के जरिए भी LPG गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। हालांकि ये सुविधा अभी केवल इंडियन ऑयल की देन पर है जी गैस के ग्राहकों को मिलती है। आपको बता दें कि इंडियन गैस के ग्राहक अब LPG गैस सिलेंडर भरवाने को लेकर बुकिंग मैच एक मिस्ड कॉल देकर है जी करा सकते हैं, जिस पर है जी आप अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल से है जी इन नंबरों पर आपको मिस्ड कॉल देना होगा। ये नंबर आपको बता देते हैं 8454955555 पर आप मिस्ड कॉल देकर है जी अपना LPG गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं और साथ ही आप WhatsApp के जरिए भी है जी इससे बुक करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में होने वाली आर्थिक परेशानियों से बचने के लिए सरकार की ओर से सरल पेंशन योजना चलाई गई है। 1 अप्रैल से बीमा नियक हरडा। आपको बता दें कि इससे बीमा कंपनियों को सरल पेंशन योजना लागू करने के दिशा निर्देश दिए। इसके जरिए वरिष्ठ नागरिक रिटायरमेंट के बाद भी आजीवन पेंशन पा सकते हैं। इस योजना की अच्छी बात ये भी है कि बीमा धारक की मौत हो जाने के बाद भी जीवन साथी व नॉमिनी को उसकी मृत्यु तक हज की मैच्योरिटी मिलती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय देश में रोजाना बढ़ रहे कोरोना के मामले। आपको बता दें कि इस समय आज 50,000 से नए केस सामने दर्ज किए गए, जिसमें से आपको बता दें कि 350 से भी अधिक लोगों की कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि देश और दुनिया की रोजाना सभी बड़ी खबरें जानने के लिए अभी हमारे चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।